हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए, बढ़िया तो उमंग है। और हमारा मन कर रहा था कि पता नहीं कौन कौन से देश में हम चले जाएं, घूम फिर के आए। और हमारा भारत देश ही इतना बड़ा है। तो अभी हाल ही में एक ट्रेलर देखे हम, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब हम सोचे थे वहां जाने की, लेकिन कहानी जब देखी तो हमें लगा कि भाई वहां तो माहौल एकदम गरमाया हुआ है। तो सोचे कि चलो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के कलाकारों को ही बुला लेते हैं, खूब सारी बातें करते हैं और जानते हैं कि जो कहानी है वो कहाँ से आई, किरदार निभाने में उनको कितनी दिक्कतें आई। तो चलिए स्वागत करते हैं याजुर, जितेंद्र जी और अर्शिता सास बुआ बेटिया में। थैंक यू सो नमस्कार। मच। पहली बात, हम जितेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या फीडबैक मिली है आपको इस पिक्चर को लेकर? मौसी जी, फीडबैक तो अच्छी है, लेकिन बस ये है कि क्योंकि हम एक दुख भरी कहानी के साथ में हैं और जब लोग उसको देख रहे हैं तो हमको अफसोस भी हो रहा है कि हम इस तरह की कहानी लेके आ रहे हैं जो एक एक लड़की की दुख भरी कहानी है। और खुद जब हम उसको शूट कर रहे थे तो हमको भी काफी अफसोस था कि क्या इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में होता है लड़कियों के साथ में या महिलाओं के साथ में। तो दुख तो होता ही है, कहानी पढ़ के भी इमोशन जो है वो इस तरह के हो जाते हैं कि एक तकलीफ होती है। और अब जब हम उसको शूट करते हैं तो अब आज हम पर्दे पे आ रहे हैं और पर्दे पे हम अपनी वो दुख भरी कहानी लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की थी कामयाब हो रहे हैं कि लोग इसको जाने और जानकर उस लड़की की तकलीफ में शामिल हों जो डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में हमने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की लड़की हमारे सामने है अर्शिन। आपसे जानना चाहेंगे अर्शिन, आपके किरदार के बारे में, और इस किरदार के साथ क्या ऐसी घटना घटती है कि मतलब पूरी कहानी ही बदल जाती है? देखिए, ये एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की है जिसकी फैमिली बांग्लादेश में है। और अभी आप जैसे देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जैसे माहौल है, उसी माहौल का जो जो अभी चल रहा है, वही माहौल हमने मूवी में दिखाया है। तो वो लड़की एक हिंदू ब्राह्मण, उसके परिवार के साथ बहुत सारा अनजस्टिस होता है। और जब उसका अनजस्टिस होता है तो वो भाग के आ जाती है हिंदुस्तान, क्योंकि ये वो सोचती है कि हिंदुस्तान में बेहतर होगा, उसकी लाइफ बेहतर होगी, चीजें वैसी नहीं होंगी जो बांग्लादेश में है। पर वो जब देखती है कि बंगाल में आके भी वही दशा है उसकी, तो वो चौंक जाती है। वो सोचती है कि हिंदुस्तान, जो एक हिंदू कंट्री है जहाँ पे उसे सुरक्षित होना चाहिए, तो वही माहौल जो बांग्लादेश में था वो यहाँ क्यों है? और मेरा जो कैरेक्टर का नाम है वो है सुहासिनी भट्टाचार्य। तो सुहासिनी भट्टाचार्य को ये जो बात है वो बताना चाहती है पूरी दुनिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, ह्यूमन राइट काउंसिल, सबको बताना चाहती है कि यहाँ पे भी हिंदुओं की हालत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया को पता नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे न्यूज चैनल्स कुछ कवर नहीं करते। यहाँ पे मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसी हालत है, पर जितना हमने पढ़ा, जितना लोगों से जाना, तब हमें पता चला कि ये एक्चुअल में हालत है। तो वही कहानी है, जो भी अत्याचार वो लड़की ने सहा है, जो भी उसकी जर्नी है, ये चीज बताने के लिए, कि वो किस हालतों में कैसे पूरी दुनिया को बताना चाहती है। तो ये पूरी उसकी जो जर्नी है वही ये मूवी में हमने दिखाया है। याजुर, आपसे जानना चाहेंगे आपके किरदार का नाम क्या है, और आप ये जो अर्शिन जो किरदार निभा रही है उनसे आपकी मुलाकात कैसे होती है? देखिए, जो मेरा जो इसमें किरदार है, मैं इसमें दो किरदार निभा रहा हूँ, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। और मेरा नाम इसमें अतीक है और प्रतीक है। और जो मेरा इसमें रोल है कि कैसे मैं ये सुहासिनी को मिलता हूँ बांग्लादेश में, और कैसे उसको अपना पॉजिटिव साइड दिखा के और उसको मोटिवेट करता हूँ, परस्यू करता हूँ कि मेरे साथ चले बंगाल, और उसका ब्रेन वॉश करने का मतलब ब्रेन वॉश करता हूँ कि कैसे वो इसमें लव जिहाद भी है कि अपना वो धर्म बदले। तो इस तरीके की पूरी कहानी है। और भी इसमें मेरा एक, मैं इसमें प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला हूँ, प्रिंटिंग प्रेस। तो एक इसमें मेरा डायलॉग भी है कि भाईजान, वेद पुराण गीता और सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके लखनऊ अयोध्या बनारस में फ्री में भेजी जा रही है।
तो आजकल क्या हो रहा है कि ये लोग जो हमारी धार्मिक किताबें हैं इसके अंदर जो असली चीजें लिखी है उसको बदल करके मार्केट में फैला रहे हैं ताकि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिले, गलत सीख मिले और गलत रास्ते पे चले। तो काफी ऐसे अच्छे मैसेजेस हैं इस मूवी के थ्रू। और क्योंकि मेरा मानना, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब तक एक जो ये सारी दुर्घटनाएं आजकल हो रही है, तो आप दोषी तभी ठहरा सकते हो जब वो जानबूझ के करा जाए। मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा लोग ज्ञानी ही नहीं है, उनको लगता है कि बस, और उनको जब ये पता चलेगा कि उनकी जो ये उनकी हरकतों की वजह से बाद में क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो वो शायद वो नहीं जानते, बस वो कर देते हैं और उनके लिए खत्म हो जाता है। हम उसको बताना चाहते हैं कि गलत है, क्योंकि इंसान वो कोई भी वो, उसको जब उसकी गलती का एहसास होगा तो वो शायद ना करे और सब कुछ अच्छा हो जाए। और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर अभी वो काफी इलिटरेट है लोग और मिस इन्फॉर्म्ड हैं, और हम उनको बस इंफॉर्मेशन, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं किसी को इस मूवी के थ्रू कि आपने गलती करी, हम तो उन्हें एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आगे ना किया जाए, और इसके बाद भी होता है तो वो गलती है। अच्छा वैसे जितेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पिक्चर जो होती है, फिल्में होती हैं, उनकी कहानियां जो होती हैं वो समाज का दर्पण होती हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं से कहानी निकल कर आती है। आपसे जानना चाहेंगे इस पिक्चर की कहानी आपके दिमाग में कैसे आई है, क्या किसी की कहानी या स्टोरी या न्यूज आपने पढ़ी तो आपने उस पर सोचा कि ऐसी पिक्चर बनाई जाए, क्या कब कैसे क्या विचार आया आपको उस पिक्चर को लेकर? देखिए, एक कहानी मेरी निगाह से गुजरी थी जिसमें अनिल चंद एक सितारगंज में रहता था, हिंदू परिवार था, और सितारगंज बांग्लादेश में है। तो वहाँ पर एकाएक ही वहाँ के जो जिहादी संगठनें थी उन्हीं ने उस परिवार पर हमला किया और हमला करके काफिर कहकर उस पूरे परिवार की हत्या कर दी। और उसमें एक उनकी 14 साल की लड़की थी, पूर्णिमा उसका नाम था, तो उसका बेरहमी से गैंग रेप किया गया। और माँ ने उस बच्ची को, माँ क्योंकि उस वक्त तक जिंदा थी, तो उसने उस बच्ची को बचाने के लिए वहां पर चिल्ला कर कहा, जो उसमें जो उसका लीडर था अब्दुल अली, उसको चिल्ला कहा कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी हमारी बच्ची। तो ये बहुत तकलीफ दे ऐसा वाकया था, एक माँ की आवाज जिसमें वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस हद तक एक दर्द भरी आवाज से इस तरह के वाकये को अंजाम दे रहे लोगों को कहती है कि ऐसा ना करो। तो वो घटना दबा दी गई। ये 2001 की घटना है, अक्टूबर महीने की। तो उसके बाद फिर तस्लीमा नसीम ने भी इस वाकये को अपनी किताब लज्जा में लिखा। तो उसके बाद उनको बांग्लादेश भी छोड़ के भागना पड़ा। और फिर धीरे धीरे छोटे न्यूज चैनल्स ने इस हादसे को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। फिर ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अब इसको देखा जा सकता है कि ये हादसा अब लोगों के, अगर आप नेट गूगल सर्च करें तो आपको ये किस्सा मिल जाएगा। तो वहां से हमारी कहानी शुरू होती है, और उसी में एक लड़की उसी परिवार की, क्योंकि वो पूरा परिवार मर जाता है, वो गैंग रेप की जो पीड़ित लड़की होती है पूर्णिमा, वो भी मर जाती है। हमारे परिवार को खत्म कर दिया गया, ह्यूमन राइट्स में जाएंगे। तो उस लड़की की कहानी जब वो आती है तो वो बांग्लादेश आ जाती है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ जाती है, क्योंकि वही एक बॉर्डर क्रॉस करने का रास्ता है। तो वहां पर उसके साथ भी वही सारी चीजें होती हैं, उसके साथ जो उसकी सहेलियां आती हैं उनके साथ भी यही हादसे होते हैं, गैंग रेप होते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, उनके धर्म परिवर्तन होते हैं। लेकिन वो लड़की अपनी एक ऐसी जिद पर अड़ी होती है कि वो किसी ना किसी तरह से इस वाकये को दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी और दरिंदों को जो है सबक सिखाएगी, उनको सजा दिलाएगी। लेकिन वो खुद रोहिंग्यास की शिकार हो जाती है, पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त की हुकूमत है ममता बनर्जी की, वो उसमें टीएमसी के जो शेल्टर दिए हुए गुंडे हैं वो उसके साथ में क्या करते हैं, वहां के मौलवी उसके साथ में क्या करते हैं। वो एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी पर वहीं से पश्चिम बंगाल से शुरू होती है, और ये उस लड़की का सफर है। और ये हमने एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म बनाई है, हमने रोहिंग्यास
की एक्टिविटीज के ऊपर से पर्दा उठाया है कि जो जिस तरह से बंगाल पश्चिम बंगाल में आ रहे और उनको वहां सहूलियतें देकर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की नीयत से उनके फर्जी आधार कार्ड बनाकर और उनको पूरे देश में शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए रोहिंग्या जो है वो खाली पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, वो तो पूरे देश के लिए खतरा है। तो हमारा ये टॉपिक पूरे देश के लिए है, पूरे देश को इसको देखना चाहिए। और दर्द भरी कहानी के साथ में हमने जो वहां की एक्टिविटीज हैं, हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़कर क्यों भाग रहा है, हिंदुओं को वहां पर क्यों तकलीफ हो रही है, जाहिर सी बात है जब रोहिंग्या वहां पर उनकी आबादियां बसेंगी और वो विदेशी घुसपैठिए हैं, तो हिंदू वहां पर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, अपने परिवारों को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए वो वहां से भाग रहा है। तो ममता बनर्जी खुद एक महिला है और महिला होने के बावजूद वहां पर गैंग रेप, जैसे अभी आप लोग ने टीवी पे देखा कि वहां पर रेप्स हो रहे हैं, तो वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लड़कियां बहु बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और महिला होने के बाद भी वो पश्चिम बंगाल में अपने जो टीएमसी के उनके गुंडे हैं उनसे इस तरह की दहशत का माहौल पैदा करवा रही है, या वहां जो गैंग रेप कर रहे हैं वो उनको शेल्टर दे रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये उनके लिए भी शर्म की बात है। और हमारा भारत जो है विदेश में इन घटनाओं को लेकर किस तरह से शर्मिंदा हो रहा है, इसका अंदाजा शायद ममता बनर्जी को नहीं है। अच्छा अर्शन, आप से जानना चाहेंगे, देखिए इस लड़की का किरदार, जो भी डिटेलिंग अभी हमें जितेंद्र जी ने दी है उससे हम आभास लगा सकते हैं कि बेचारी उस लड़की पर कितना जुल्म बरसा होगा, वही किरदार हमें लगता है आप निभा रही हैं। तो कहते हैं जब एक किरदार वैसा किरदार निभा, मतलब कोई भी किरदार हो, वो करने से पहले एक होमवर्क की जरूरत होती है, सोचना विचारना पड़ता है, उस किरदार में घुसना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने सीन फिल्माया गया उस समय, तब आपके दिमाग की स्थिति, आपने अपने आप को कैसे उस सिचुएशन में डाला, क्या सोचा मन में, कैसे उस सिचुएशन को सीन में उतारा गया, वो सिचुएशन के बारे में बताइए जब आपके दिमाग में जो चल रहा था उस समय शूटिंग के दौरान। जब मैंने थोड़ा कैरेक्टर स्टडी किया, जब मैंने ये कैरेक्टर सुहासिनी के बारे में पूरा लिख के देखा कि इस लड़की में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैसे वो बोलनी चाहिए, कैसे वो उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो कैरेक्टर तो ठीक है, पर ये मूवी की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतने सारे सीन्स थे जहाँ पे मैं जो अपनी नॉर्मल लड़की हूँ वो नहीं बन सकती थी, और मैं नॉर्मली बहुत चुलबुली हूँ, मस्तीखोर हूँ वैसे। तो फिर मैंने एक प्रोसेस सोचा, मैं ना ही किसी से, मैं म्यूजिक सुनती थी, मैं हेडफोन्स फुल टाइम ऑन द सेट भी लेके जाती थी, अदरवाइज ऑल्सो लेके जाती थी। मैंने पहले काफी पढ़ा, मैं पढ़ती गई और जितना मैं अंदर उस पर्टिकुलर मोमेंट को लेते गई तो मुझे उतना ही फील होता था कि यार ये लड़की के साथ, अभी जैसे कि म्यूजिक म्यूजिक मैं कोई भी सीन करती थी, इंटेंस वाला सीन या जो भी आपने सीन देखा है हर हर महादेव या जो भी ट्रेलर में आपने देखा है, तो मैं म्यूजिक सुनती थी तो मुझे अंदर वो भाव पैदा होता था। तो आई थिंक म्यूजिक की वजह से मुझे, इवन जब मैं लाइंस बोलती थी मैं म्यूजिक ऑन रखती थी क्योंकि मुझे पता था कि बाद में म्यूजिक लगने वाला है, डब होने वाला है। तो आई थिंक म्यूजिक की वजह से मेरे जो एक्सप्रेशंस है, मेरे जो स्वभाव है अंदर, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर ना बहुत ऑनेस्टी से दिखाना था, बहुत ऑथेंसिटी, बहुत ट्रू दिखना था कि ये कैरेक्टर, ऐसा नहीं दिखना था कि कोई एक गोरी सी, कोई एक ऐसी लड़की ऐसे ही ये कैरेक्टर कर रही है, इसको बहुत सच्चाई दिखानी थी ये कैरेक्टर में। तो वो सच्चाई दिखाने के लिए मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं अपने ही जोन में रहती थी, मैं जितने वीडियोज हो सकते थे मैं वो देखती थी, मैं ऐसी चीजें देखती थी कि मैं अंदर ही अंदर मुझे ऐसा फील हो कि मेरे साथ कुछ हुआ है, तो मैं उस मोमेंट के लिए घुस जाती थी कैरेक्टर को। कितने सारे ऐसे सीन्स थे कि मैं सच में रो पड़ती थी क्योंकि मैं वो जोन आउट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े सीन्स थे जहां पे मिनटों तक और घंटों तक उसी में रहना था। और मैंने सर से बोला था, सर मुझे एक ऐसा बड़ा सीन था, मैंने बोला था सर मुझे सेट पे कोई भी नहीं चाहिए सिवाय जो लोग हमारे टीम से है और जो इम्पोर्टेंट है। तो पूरी टीम ने मुझे काफी सपोर्ट किया व्हेन आई वांटेड टू डू दी सीन्स, मैं म्यूजिक सुनती थी, मैं कंटिन्यूअस म्यूजिक सुनती थी जिससे मुझे वो इमोशन पैदा हुए, और मैं ज्यादा बात ही नहीं करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि ये कैरेक्टर इतना इंटेंस है कि मैं मेरी नॉर्मल अर्शिन रह ही नहीं सकती हूँ, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ टू शो दैट ट्रू कैरेक्टर ऑफ सुहासिनी इन द मूवी। सही बात है, और सुहासिनी के किरदार के लिए आपने बहुत मेहनत की। या फिर आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए आपने इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही किरदार निभाए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप धीरे धीरे कहानी पढ़ते गए
सुनते गए, अपने आप को भले ही आपने उसमें ढाला, कहीं ना कहीं याजुर को अपने किरदार से थोड़ी बहुत तो नाराजगी हुई होगी कि हाय ये ऐसा क्यों करते हैं लोग। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि देखिए, मैं बेसिकली आई एम ए थिएटर एक्टर, मैं बहुत थिएटर करता हूँ। तो हम लोग, हमें जब स्क्रिप्ट मिलती है कोई भी, तो हम लोग सबसे पहले तो ये होता है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं, और उनसे पूछता हूँ मैं कि जो स्क्रिप्ट आपने लिखी है, जो कैरेक्टर लिखा है उसको, आप जो शब्द लिखे हैं उसको आप स्क्रीन के सामने कैसा दिखाना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूरा उनसे पहले मैं ब्रीफ ले लिया कि कैसा कैरेक्टर है, क्योंकि हमने हमें तो कोई नॉलेज इतनी नहीं है कि मतलब वो उस कैरेक्टर के बारे में। तो पहले डायरेक्टर से मैंने पूरा ब्रीफ लिया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन सारी स्टडी वर्क किया कि वहाँ पे ये सब कितनी सच्चाई है इन बातों में, और पूरे फैक्ट्स वगैरह पढ़े। और आजकल आप देख रही है जो ये मूवी, तो हमारी अभी बनी तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने टाइम लगता है मूवी बनने में, रिलीज तक आने में, पर जो वहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि हमारी मूवी के सीन सीन निकाल के प्ले हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये सच्चाई है वहाँ पे, ये सब जो हो रहा है। तो उसके बाद हमने सारा, मैंने स्टडी वर्क करा, एक कैरेक्टर डेवलप किया, और जब हम वहाँ पे परफॉर्म करता था तो ऑब्वियसली दिन भर शूटिंग के बाद जब मैं वापस अपने होटल आता था, तो रात को मुझे स्पेशली जो मेरा अतीक कैरेक्टर है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो मुझे बस कहीं ना कहीं ये जरूर दिल में दर्द होता था कि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, मतलब उनको क्या फील नहीं होता, रात को नींद कैसे आ जाती है। बाकी तो हमारा एज एन एक्टर ही हमारा धर्म होता है कि कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया जाए, बट कहीं ना कहीं एक सुकून भी था कि एटलीस्ट हम एक अच्छा मैसेज दे पा रहे हैं इस मूवी के थ्रू, मुझे मौका मिल रहा है। जी देखिए अभी वैसे भी माहौल बहुत गया हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश का ले लो, देखिए जी ऐसे पिक्चर आना और इतना इंसाफ पाना है तो मतलब पाना है, अब नशा रहना है, ये सिचुएशन हो गई है जी और उस पर हमें लगता है ये पिक्चर सोने पे सुहागा काम करेगी। जी क्या कह रहे हैं, सोने पे सुहागा। वी होप द बेस्ट फॉर दिस मूवी टू यू नो गेट इनटू एवरी इंडियन, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड टू सी इट, की क्योंकि आई थिंक मूवी एक ऐसा जरिया है कि लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट लगता है, लोग ज्यादा इसे सोचते हैं कि यार ऐसा सच्ची में हुआ है, बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो आई थिंक बिल्कुल हमारी मूवी एक ऐसा जरिया हो सकती है कि लोगों को अंदर अवेयरनेस आए, जागे। मुझे बिल्कुल, ऐसा लेकिन हम लगता तो है कि यही जैसे चाहेंगे। हमारा जो भी ट्रेलर लॉन्च और रामभद्र जी आचार्य जी ने किया था, और फिर बाकी हम बागेश्वर बाबा के पास भी गए थे, मुझे लगता है कहीं ऊपर से सुप्रीम पावर है जो हमें गाइड कर रही है। और मतलब ये सब बिल्कुल चीजें हो रही है कि शूट के दौरान भी काफी मुश्किलें आई थी हमें, जैसे हमारे कई सारे सीन्स थे मूवी में जो हमने बंगाल में शूट करते करते ऐसा था कि हम डायलॉग कुछ और थे और लिपसिंग कुछ और करते थे, ताकि डबिंग में मैच कर पाए, वहां ना बोले ताकि लोग हर्ट ना हो, बट वो भी हमारा निकल ही गया। और फिर अभी अच्छे से सब लोग सपोर्ट हमें मिल रहा है, और बाई चांस ये चीजें आई है, हम लोग ऐसे खुश नहीं है कि वो वहां पे हमारी मूवी अभी वहां पे भी चल रहा है। मैं तो उसको पॉजिटिवली ऐसे ले रहा हूँ कि हो सकता है कि जो सुप्रीम पावर है वो चाहती है कि लोग वहां पे हो रहा है और ये मूवी लोग देखे और उनकी आंखें खुलें। बिल्कुल, और आप तो ये चाहेंगे कि भाई ये पिक्चर देखने के बाद जो लोग शांत होकर घर पे बैठे हैं और शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और जो अत्याचार लड़कियों के ऊपर हो या समाज के ऊपर हो रहे हो उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे, ये पिक्चर देखकर वो खड़े हो जाएं, कैसे अब बदलने की बारी दुनिया की है, क्यों सही कही कि नहीं। जी चलिए बिल्कुल मौसी जी, उम्मीद करते हैं, बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि ये पिक्चर कमाल करे। बाकी ट्रेलर तो हमें वाकई थोड़ा सा दिल कोई दहला देने वाला था, और अभी जो किस्से हो रखे हैं वो तो सुन सुन के दिल दहल रहा है। कोई उम्मीद करते पिक्चरें हैं कि ये होती दिल है ना दहलाना कि अपना अपने अंदर खुद चेंजेस लेके ही आती है, ऐसी मेरी लाइफ में भी काफी पिक्चरें हैं जिसने खुद चेंजेस लाए हैं और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो बदली है। सो आई होप कि ये मूवी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बिल्कुल उनके अंदर चेंजेस पैदा हो, बिल्कुल, बदलाव बहुत जरूरी है। बाकी बदलाव। हम दर्शकों से भी चाहेंगे कि बदलिए, थोड़ा खड़े होइए समाज के लिए, लड़कियों के लिए जिनके साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, याजुर जी और नमस्ते, थैंक अर्शिन, आप तीनों यू, आए, थैंक यू आपने सो मच। बात की और कहीं ना कहीं इस पिक्चर के जरिए लोगों के अंदर और कितना उत्तेजना जगा दी कि भाई अब खड़े हो जाओ। जी थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात यू करेंगे। सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद मौसी जी, थैंक यू, बाय। थैंक यू।